Hello students, I am Monica Sor from ME International School. We are going to see geography, the part chapter 7, lifelines of national economy part 2. They see border roads. In the bordering areas of country, the Border Roads Organization, that is BRO, constructs and maintains roads. In 1960, BRO has established for the development of the strategically important areas of northern and the northeastern. Now, difficult terrain areas are well connected due to these roads, and this has helped in the economical and strategical development of these areas. Ab ye wale roads jo hai na, wo jo difficult terrains hai, yani ki pahadi ilake pe chadna, wahan se utarna, aur river sides mein, valley side mein, तो वो चीज़ उसको अच्छे से मेंटेन करके रखती है, सो दैट दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. इवन दे हैव टू डू बिजनेस. अगर वो माउंटेनियस एरिया में रह रहे हैं, हिली एरिया में रह रहे हैं, तो उनको वो क्या ट्रेडिंग के लिए नहीं आएंगे. तो फॉर दैम ऑल्सो दिस रोड शुड बी मेंटेन, सो दैट दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. नाउ रोड डेंसिटी. डेंसिटी ऑफ द रोड इज मेजर्ड बाय द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ एरिया. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रोड इन द कंट्री कैन नॉट बी यूनिफॉर्म. इट इज डिफरेंट ऑल ओवर द कंट्री. इन इट इज 10.04 किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर, वाइल 532.27 किलोमीटर इन उत्तर प्रदेश. दैट इज 2007-8 में ही बताया था, विद अ नेशनल एवरेज ऑफ 125.02 किलोमीटर्स. अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक एंड पैसेंजर रोड नेटवर्क इज इनएडिक्वेट इन द कंट्री. अबाउट हाफ ऑफ द रोड्स कैन नॉट बी यूज इन रेनी सीजन बिकॉज दे आर अनमेटल्ड. हाईवेज आर इनएडिक्वेट. रोडवेज आर हाईली कंजस्टेड एंड ब्रिजेस एंड कलवर्ट्स आर ओल्ड एंड नैरो इन द सिटी. इन रीसेंट ईयर्स डेवलपमेंट ऑफ द रोड नेटवर्क हैज़ पिक्ड अप एट फास्ट पेस. अब देखो, रोड डेंसिटी की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं. आपने देखा होगा, व्हेन इट इज रेनिंग यू हैव प्रॉब्लम. द रोड्स आर ब्रोकन एंड दे आर नॉट वेल मेटल्ड रोड, सो दे ब्रेक. जब जरा ट्रैफिक हुआ, जरा तेज बारिश हुई, तो वो खराब हो जाते हैं एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. अब उसको मेंटेन करना चाहिए. एवरी टाइम दे हैव टू मेंटेन इट, सो दैट यू योर ट्रेडिंग इज नॉट स्टॉप. योर वे यू आर यू हैव गोइंग फॉर द बिजनेस पर्पज, यू हैव दैट इंपॉर्टेंट रोड्स देयर एंड दे शुड बी मेंटेन इन अ प्रॉपर वे. सो दीज प्रॉब्लम्स दे फेस एवरी टाइम. नाउ रेलवेज. रेलवेज आर द मेन एंड द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया. रेलवेज आर द बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन फॉर द मल्टीपर्पज एक्टिविटीज फॉर लॉन्गर एंड शॉर्टर डिस्टेंसेज लाइक साइट सीइंग, बिजनेस ट्रिप, पिलग्रिमेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. इंडियन रेलवेज हैव बीन कॉन्ट्रीब्यूटिंग द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इन इंडिया फॉर मोर देन 150 ईयर्स. इंडियन रेलवेज आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, कल्चरल एंड इंडस्ट्री. अब नेचुरली ये जो है रेलवे, वो चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है और ईजी भी है. लाइक फॉर इफ यू आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंसेज, तो रेलवे बहुत कंफर्टेबल जर्नी है. सो फ्रॉम दैट यू कैन गो इन अ कंफर्टेबल वे. एज ऑन मार्च 2011, द इंडियन रेलवे हैड 7133 स्टेशन नेटवर्क ऑल ओवर द कंट्री, 64,460 किलोमीटर लेंथ ऑफ रूट, अ फ्लीट ऑफ 9,213 लोकोमोटिव, 6,493 other coach vehicles, 2,29,381 wagons and 53,220 passenger service vehicles. See, ये जो इंडिया के रेलवेज हैं वो इतने लार्ज स्केल पे हैं. एंड एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमी. देर आर टोटल 16 जोन्स इन द इंडियन रेलवेज. एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमी एंड फिजियोथेराफी लार्जर इन्फ्लुएंस द रेलवे नेटवर्क. नॉर्दर्न प्लेन्स हैव फेवरेबल कंडीशंस विथ हाई डेंसिटी पॉपुलेशन, वास्ट लेवल लैंड एंड रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज फॉर अ गुड रेलवे नेटवर्क. सम ज्योग्राफिकल एरियाज आर डिफिकल्ट टू प्रोवाइड द रेलवे फैसिलिटीज इन द एरियाज. अब कुछ ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम से कुछ एरियाज हैं जहाँ पर रेलवे फैसिलिटीज नहीं दे सकते बिकॉज द टेरन इज नॉट सूटेबल. टोपोग्राफी जो है लैंड की, वहाँ पर आप ट्रैक्स नहीं डाल सकते, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. सो सम प्लेसेज इट इज देयर. नाउ लाइक पेनिनसुला रीजन है, हिमालयन माउंटेन रीजन है, गैप माउंटेन टनल्स है, रिवर्स है, सैंडी प्लेन ऑफ राजस्थान, देयर यू कैन पुट द रेलवे ट्रैक्स. सो स्वैम्स ऑफ गुजरात, फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, सह्याद्री कंटेजियस स्ट्रेचेस कैन बी पास थ्रू गैप्स एंड पासिस. इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी दे फेस एंड दे हैव टू लाइक फ्रॉम द माउंटेन्स ऑल्सो दे हैव टू फॉर्म द टनल सो दैट द ट्रेन पासिस थ्रू इट. सो दीज प्रॉब्लम्स दे फेस इन सम प्लेसेज. डिस्पाइट फेसिंग प्रॉब्लम्स लाइक सिंकिंग ट्रैक्स इन स्ट्रेचेज एंड लैंड स्लाइड्स अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट, कोंकण रेलवे डेवलप्ड दिस इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ इंडिया.
कोंकण रेलवे ने बहुत सारी ये वाली प्रॉब्लम्स फेस करी थी, बट देन ऑल्सो इकोनॉमिकली इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट रीजन इन इंडिया. अदर प्रॉब्लम्स फेस बाय इंडियन रेलवेज इंक्लूड पैसेंजर ट्रैवलिंग विदाउट टिकट्स. अब ये रेलवे जो एक प्रॉब्लम फेस करता है वो ये है कि बहुत सारे पैसेंजर्स विदाउट टिकट दे आर ट्रैवलिंग, वी दे कांट इवन कैच द होल्ड ऑफ देम, दे डोंट मेक आउट दैट दिस पर्सन इज ट्रैवलिंग विदाउट टिकट. एंड थेफ्ट्स, बिकॉज थेफ्ट्स ऑल्सो इज अ प्रॉब्लम, पीपल स्टॉपिंग ट्रेन बाय पुलिंग चेन अननेसेसरली एंड पीपल डैमेजिंग रेलवे property, the people who are living in the village areas, or they just stop, they pull the chain which is not right, and they pull the chain, they stop the train to get down in the village, because from the main station their village is very far away, so they do that. So these things are wrong which they are doing, and they are harming the they are damaging the railway property also. Now pipelines are used for what? Pipeline transport network is a new mode of transportation in India. Earlier pipelines were used to transport water in the cities, but now crude oil, natural gas from oil, petroleum products, natural gas fields to refinery and solids can also be transported in the form of slurry. Pehle to sirf pani ke liye hota tha, but now these all things, now oil and everything, gas also can be passed through the pipelines. Now Mathura, Barauni, Panipat refineries and gas based fertilizers plants, which are at far inland locations, are running successfully just because of pipelines. Pipeline transport does not cause shipment delays and losses. In the country there are main three pipeline transportation networks. Ab yahan par pipeline ki wajah se jo shipment delays hote the oil mein, isme wo sari problems ab solve ho gayi hai, and it is easy. And pipeline, three pipeline transportation network apni country mein hai. Now waterways, waterways is what? Since ancient times India was one of the major seafaring countries. Seamen used to sail far and near for the purpose of trade and commerce. Trade or commerce ke liye sea ke through to bahut saalon se log jaate the, and they were using that for heavy and bulky goods. Waterways are the cheapest means of transportation. Bulky goods ko jab apan ko yahan se export karna hota hai, to this is the cheapest way for transport. Easy way mein bhi jata hai, and you can transport it in a comfortable way. Waterway is also fuel efficient and eco-friendly mode of transportation. Fuel efficient bhi hai aur eco-friendly bhi hai. There is no harm to go send anything for by the waterways. India has very long inland navigation waterways of 14,500 kilometers in length, and only 5,685 kilometers are navigable by mechanized vessels. India's 95% trade volume is moved by sea with foreign countries, 68% in terms of value. Major seaports apne India mein kaun se hain? India has a long coastline of 7,516.6 kilometers with 12 major and 187 notified non-major ports. 95% of country's foreign trade is done via these ports. After independence, Kandla in Kutch was the first developed port to give ease to the busy Mumbai port, because India had lost Karachi port to Pakistan after partition. पहले मुंबई एक कराची पोर्ट था, उसकी हेल्प से हेल्प थी, बट नाउ कराची पोर्ट इज़ गॉन टू पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन. इसलिए अब ये जो कांडला कच्छ वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट हो गया है फॉर ट्रांसपोर्टेशन फॉर बिजनेस पर्पस. कांडला इज़ अ टाइडल पोर्ट एंड इट रिमेन्स बिजी ऑल द टाइम इन हैंडलिंग एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, गुजरात आर द मेन स्टेट्स विच हैव ग्रेनरीज एंड आर इंडस्ट्रियली डेवलप्ड. Now Margoa port, Goa, is an iron ore exporting port of the country. 50% of the iron ore export is done via this port. Is port se iron ore ki exporting hoti hai. Mangalore port hota hai jo Karnataka mein, caters to Kundramukh mines to export iron ore. Isse iron ore. Then Tuticorin, Tamil Nadu mein, is an extreme southeastern port. This port is handling cargoes to the neighboring countries like Maldives, Sri Lanka, coastal regions of the country. यहाँ पर इधर बिजनेस करते हैं ये तमिलनाडु से, दे आर डूइंग द बिजनेस विथ मालदीव, श्रीलंका, यहाँ पर उसके ट्रांसपोर्ट इस ये पोर्ट वहाँ के काम आता है. एयरवेज, ट्रेवलिंग एयरवेज इज द मोस्ट कंफर्टेबल एंड फास्टेस्ट प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. एयर ट्रांसपोर्टेशन मेक इट ईजियर टू कवर डिफिकल्ट टेरेंस लाइक रिवर्स, डेजर्ट्स, ओशंस, डेंस फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स एक्सेट्रा. एयरवेज इज ऑफकोर्स वेरी सिंपल, ईजी, कम्फर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिससे आप सीज के ऊपर, रिवर के ऊपर, माउंटेन कहीं भी जा सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम. इट वॉज नेशनलाइज इन 1953. इंडियन एयरवेज, एयरलाइंस एंड अलायंस
Air provided domestic air services. Air India provides international air services. Pawan Hans Helicopter Limited provides helicopter services. Air travel is an expensive mode of transport, but it is becoming popular today as it is more comfortable and saves time. Introduction of cheaper airlines has made traveling by affordable for the middle class. Ab airways actually expensive hai transport, but the people have introduced new airlines jahan par thoda sa cheap hai. But people are preferring this because it is comfortable and they reach on time. Agar unko bahut jaldi pahunchna hai to they reach on time, so they don't concern the money factor because they are reaching on time and it is comfortable also. Communication, modern communication sources like radio, films, television, cinema, press, etc. are the best mode of communication for long distance. These make possible communication possible without the physical preference of the communicator or receiver. और कम्युनिकेशन की वजह से ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन. अनलेस एंड अनटिल यू कम्युनिकेट विद द पीपल हाउ यू विल डू द बिजनेस एंड थ्रू द कम्युनिकेशन लाइक रेडियो टीवी न्यूज़पेपर वी कम टू नो मेनी थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग इन द होल कंट्री एंड वी नो द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग व्हाट बिजनेस इज गोइंग ऑन एंड व्हाट थिंग्स वी हैव टू परचेज और वी डोंट हैव टू परचेज ऑल दिस थिंग्स वी कैन ईजिली कम टू नो थ्रू दिस द एडवर्टीजमेंट्स आर देयर टू द टीवी टू द न्यूज़पेपर दे गो ऑन टेलिंग यू द पीरियडिकल्स the magazines which we are reading from that ads which we read through that we come to know about the different new products which are coming in the market. Now India's telecom network is one of the largest networks in the world. Subscriber trunk dialing, that is STD facilities, covers more than 2/3 of the village in the country excluding urban areas. STD gives facility to call 24 hours in the village at uniform rate all over the country. Mass communication jo hai, that is radio, magazine, newspaper, books, films and television, they are for entertainment also and for the purpose to tell you also that what things are happening in the around the world. It has made the world a small village like, because everyone knows in which or any corner of the world we will know what is happening. It has made so easy. Akashvani is an all India radio channel which broadcasts programs in national, local and regional languages in different parts of the country. Doordarshan is a national television channel of India. It broadcasts programs in different areas of the country. India, there are a large number of newspapers being published in more than 100 languages and dialects. India is the largest producer of feature films in the world. India and foreign films are certified by the Central Board of Film Certification. From this we can see the cinema films they dekhte hain, newspapers dekhte hain, jo ki apan ko har language mein apan newspaper available hota hai. For the people, for the vernacular people who can't read English, so they can read in their own language. That comfort is there. Now international trade, advancement in international trade is important for economic prosperity. International trade to bahut important hai. Jab we are doing import and exporting the things, we are getting the foreign exchange, which that the economy of the country develops. So international trading to bahut zyada important hai. Now tourism as a trade, tourism kya hai? Tourism in India is growing as fast over the last 3 decades. In 2010 tourism contributes to rupees 64,889 crore of foreign exchange. In 2010, 5.79 million foreign tourists visited India. In tourism industry, more than 15 million people are directly engaged. Tourism also promotes local handicrafts, cultural pursuits and national integration. It helps building bilateral relationships. Now tourism to bahut important because the people from foreign countries, when they visit your country, they give you the foreign exchange and with that the economy develops and our culture and tradition, our handicrafts is also purchased by them and this makes the country economy prosperous. So this was the lifelines of Indian economy. Thank you.